नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त रविंद्र बिश्नोई आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल उदित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं एक विशेष प्रयोजन के लिए आज आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी को पता होगा कि पिछले 29 अगस्त को उदित एजुकेशन के तत्वावधान में मंथन प्री रीट टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया गया था और उस टेस्ट सीरीज के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में प्री रीट के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 को समावेशित किया गया था। दोस्तों, आप सभी के परिणाम को लेकर के मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे चुनिंदा परिणाम जिन्हें आप सबको जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अन्य परिणाम भी आपको कहाँ पर मिलेंगे उसकी भी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे क्या रहा परिणाम आप सबका मंथन प्री रीट के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से किसी भी रूप से इस टेस्ट सीरीज के अंदर सहयोग करते हुए इस छोटी सी पहल को एक बड़े रूप में पहुँचाया। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंथन प्री रीट के अंदर लेवल 1 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेवल 1 के अंदर जो टॉप 10 अभ्यर्थी हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो लेवल 1 के अंदर जो 10वीं रैंक जिस विद्यार्थी ने प्राप्त की है उनका नाम है कमल बिश्नोई और इनका रोल नंबर है 202203 और इन्होंने कुल 321 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये प्राप्तांक कुल 450 नंबर में से प्राप्त किए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक रखे गए थे तो यहाँ इन्होंने कुल 71.33% प्राप्त किए। वहीं अगर हम बात करें रैंक संख्या 9 की, तो 9वें नंबर पर सुखविंदर कौर, जिनके रोल नंबर हैं 202231 और इन्होंने 324 अंक यानी कि कुल 72% प्राप्त करके इस रैंक को प्राप्त किया। इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं रैंक पर ही, तो विकास शर्मा जो कि 202193 और 324 नंबर के साथ ही इन्होंने भी 9वीं रैंक पे अपना स्थान कायम किया है। अब हम बात करते हैं रैंक संख्या 8 की। दोस्तों, 8वें नंबर पर भी 2 कैंडिडेट हैं। सबसे पहले नाम आता है रितु सिहाग, 202169 रोल नंबर है इनके और 327 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं 72.66% के साथ। वहीं 202196 रोल नंबर के साथ प्रभु दयाल, इन्होंने भी 327 अंक प्राप्त करके 72.66% के साथ 8वीं रैंक प्राप्त की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रैंक संख्या 7 के बारे में। तो रैंक संख्या 7 पर 2 कैंडिडेट हैं। पहला नाम है प्रमिला, जिनके रोल नंबर हैं 202163 और इन्होंने 336 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ नंबर आता है रोशनी का, जिन्होंने 202202 रोल नंबर के साथ 336 अंक प्राप्त किए हैं और इन्होंने भी 74.66% के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद नंबर आता है छठे रैंक का, तो छठी रैंक पर हैं रवि, जिनके रोल नंबर हैं 202170 और इन्होंने कुल 339 नंबर लेकर के 74.66% के साथ छठे नंबर पर अपना स्थान बनाया है। पांचवें नंबर पर नाम आता है मनप्रीत सिंह, रोल नंबर है इनके 202233 और इन्होंने कुल 345 अंक प्राप्त करके पांचवें नंबर पर अपना स्थान कायम किया है। इनके कुल प्रतिशत 76.66% हैं। अब हम बात करते हैं रैंक नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, चौथे नंबर पर हैं संदीप कौर और इनके रोल नंबर हैं 202185 और इन्होंने कुल 351 नंबर प्राप्त करके इस रैंक को प्राप्त किया है। इनके कुल 78% बने हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रैंक संख्या 3 के बारे में। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर रहे हैं रोल नंबर 202216 दीपक शर्मा और इन्होंने 354 अंक प्राप्त किए हैं और 78.66% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी तीसरे स्थान पर ही एक और कैंडिडेट हैं जिनका नाम है अमन गौड़, 202172 रोल नंबर इनके हैं और इन्होंने भी 354 अंक के साथ ही तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं रैंक सेकंड के बारे में। दोस्तों, सेकंड रैंक पर हैं
सारिका वर्मा और इनके रोल नंबर हैं 202195। इन्होंने 357 अंक प्राप्त किए हैं और 79.33% प्राप्त किए हैं। अब बारी है लेवल वन के टॉपर अभ्यर्थी की, जिसने लेवल वन के अंदर टॉप किया है। दोस्तों मैं बधाई देना चाहूंगा यहां पर आशा सिंह को। आशा सिंह ने मंथन प्री रीट के लेवल वन के अंदर पहली रैंक प्राप्त की है। दोस्तों इनका रोल नंबर है 202157 और इन्होंने कुल 360 अंक प्राप्त करके 80% के साथ इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। दोस्तों वैसे तो देखा जाए इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में एक विजेता है। अभी आपके सामने लगभग 20 से 25 दिन का समय बाकी पड़ा है और इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी गलतियों से सीखते हुए उस मुख्य रीट भर्ती परीक्षा के अंदर अव्वल आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रैंक आए बहुत ही अच्छी बात है। जिनके रैंक नहीं आए, नंबर कम आए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप अपनी गलतियों से सीखिए, किस जगह पर आपसे गलती हुई है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे छूट रहे हैं, या ऐसी क्या चीज़ है जिसे आपने अब तक ध्यान नहीं दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परीक्षा आपकी इस मामले में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आपके जो वीक पॉइंट हैं उनको सामने ला करके इसने रखा है। तो दोस्तों जो आपकी कमजोरियाँ हैं उसे दूर करते हुए बेहतर बनने का प्रयास करते जाइए। तो दोस्तों नौकरी बिल्कुल आपकी रहेगी। इस परीक्षा के अंदर अगर किसी के नंबर कम आए हैं तो मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपनी कमियों पर काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेवल टू के बारे में। दोस्तों लेवल टू के टॉप 10 अभ्यर्थी मैं आप सबके सामने लाने जा रहा हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के बारे में। दोस्तों लेवल टू के अंदर 10वां स्थान प्राप्त किया है सरिता यादव ने। इनके रोल नंबर हैं 202275। इन्होंने कुल 309 अंक प्राप्त किए हैं और 68.66% के साथ 10वीं रैंक प्राप्त की है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 9वीं रैंक के बारे में। तो 9वीं रैंक पर हैं रवीना, जिनके रोल नंबर हैं 202277 और इन्होंने कुल 315 अंक प्राप्त करते हुए 70% प्राप्त किए हैं और ये 9वें स्थान पर हैं। 8वें स्थान पर हैं जिमी कुमारी, जिनके रोल नंबर हैं 202290 और इन्होंने कुल 318 अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों 8वें नंबर पर प्रीतम सिंह, जिनके रोल नंबर हैं 202281, ये भी हैं और इनके नंबर भी 318 और प्रतिशत 70.66 हैं। अब हम बात करते हैं रैंक 7 के बारे में। तो दोस्तों रैंक 7 पर बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर आपको 4 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। इन सब के मैं नाम बोल रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है महावीर, जिनके रोल नंबर हैं 202272 और इनके जो मार्क्स हैं वो 321 हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है कविता बिजारणिया, इनकी रैंक है 7वीं और रोल नंबर हैं 202287। अगला नाम आता है मोनिका, जिनके मार्क्स हैं 321, इनके रोल नंबर हैं 202300 और अंतिम नाम आता है रीमा चावला, इनके रोल नंबर हैं 202284 और इन्होंने भी 321 अंक प्राप्त करते हुए 7वीं रैंक पर अपना स्थान पक्का किया है। अब हम बात करते हैं रैंक नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पर 2 अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे आपको। पहला नाम आता है यशवंत सिंह, जिनके रोल नंबर हैं 202291 और इनके नंबर हैं 327 और प्रतिशत हैं 72.66। वहीं एक और अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है सुनीता बन्ना, इनके भी मार्क्स जो हैं वो 327 हैं, इनके रोल नंबर हैं 202103 तो इनके भी 72.66% हैं और इन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं टॉप 5 के बारे में। तो दोस्तों टॉप 5 में रैंक 5 पर स्थान पक्का किया है कुलदीप सिंह ने, जिनके रोल नंबर हैं 202152 और इनके नंबर हैं 330 और प्रतिशत बनते हैं 73.33%। चौथा स्थान प्राप्त की है इशिता ने, इनके रोल नंबर हैं 202115 और इनके नंबर हैं 336 और इनके प्रतिशत बनते हैं 74.66। अब हम बात करते हैं रैंक 3 के बारे में। दोस्तों रैंक नंबर 3 पर अपना स्थान पक्का किया है बिरदा राम प्रजापत ने, जिनके रोल नंबर हैं 202292 और इन्होंने 339 अंक प्राप्त करते हुए
75.33% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं राहुल कुमार, इनके रोल नंबर हैं 202153 और इनके कुल अंक हैं 351 और इन्होंने 78% के साथ इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं हमारे लेवल टू के टॉपर के बारे में। तो दोस्तों लेवल टू के टॉपर का नाम है ललित कुमार और इनके रोल नंबर हैं 202144 और इन्होंने 357 अंकों के साथ 79.33% प्राप्त किए हैं और ये हमारे विजेता हैं लेवल टू के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आशा सिंह हैं लेवल फर्स्ट से और ललित कुमार लेवल सेकंड से पहले स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं। दोस्तों मैं आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आपको ज़्यादा समय खराब ना करते हुए इस वीडियो को संक्षिप्त रखूँगा। आपका जो बाकी परिणाम है वो PDF फॉर्मेट के अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम से जुड़ी या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा सुझाव के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहते हैं या फिर अपना कोई भी कीमती सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप बेझिझक मेरे इस ईमेल एड्रेस पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज दे सकते हैं। दोस्तों आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम भावी प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन इसी प्रकार से करवाएंगे और अगली बार और ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ और ज़्यादा बेहतरीन परिणाम के साथ और ज़्यादा बेहतरीन स्तर के साथ आने की उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।